इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पटना पुलिस के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। नौबतपुर 18 लाख लूटकांड के लूटकांड मामले में पटना के डीआईजी राजेश कुमार ने खुलासा किया और पटना पुलिस के बेऊर थाना अध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की बातें कहीं। डीआईजी राजेश कुमार ने कहा कि नौबतपुर लूटकांड में लूट में इस्तेमाल की गई गाड़ी को बेऊर पुलिस थाना अध्यक्ष प्रवेश कुमार ने 1.5 लाख घूस लेकर छोड़ दिया। बेऊर थाना अध्यक्ष प्रवेश कुमार सहित 5 पुलिसकर्मी और 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, थाना के द्वारा पकड़ लिया गया। तो उसको पकड़ने के बाद वो गश्ती पार्टी ने उसमें उसको छोड़ दिया था कुछ पैसे लेकर, और उसके पश्चात तो उनको ये मालूम नहीं था कि अभी कि ये घटना हो चुकी है वहाँ पर, और उस गाड़ी को थाना पे भी लाया गया था और उसके पश्चात उसको छोड़ा गया, जिसमें कि गश्ती गाड़ी के पदाधिकारी और उसमें जो 2 गृह रक्षक के जवान थे और एक ड्राइवर, उनकी संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा थाना के एक सब इंस्पेक्टर जो कि जिनका नाम सुनील चौधरी है और SHO प्रवेश भारती, उनकी भी मिली भगत और उनको भी नॉलेज थी, वो भी इस घटनाक्रम में सामने आया है। तो इस सब को देखते हुए इस गंभीर घटनाक्रम में सीनियर SP पटना, CT SP वेस्ट और ASP दानापुर, उनके द्वारा पूरे इस घटनाक्रम का पूरी जांच की गई और 4-5 घंटे से आप सभी देख रहे हैं कि इस घटनाक्रम का पूरी अच्छी तरह से जांच करने के पश्चात ये पाया गया कि इसमें FIR करना आवश्यक है, क्योंकि ये गंभीर बात है, गंभीर घटना है, और इस तरह की जो भी एक्टिविटी किसी थाना के द्वारा या गश्ती गाड़ी के द्वारा दिखाई जा रही है उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसको देखते हुए अभी जो डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया है SHO प्रवेश भारती को, एक सब इंस्पेक्टर सुनील चौधरी को और ASI विनोद राय को, 2 गृह रक्षक हैं उनको, और एक जो प्राइवेट ड्राइवर है गाड़ी का उसको, और टोटल 6 गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। FIR ड्राफ्ट कर लिया गया है और इसमें अनुसंधान जो है ASP दानापुर स्वयं पूरे इस FIR का करेंगे और इनको अब आगे पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो इसको देखा जाएगा, और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एक तरह से, क्योंकि कोई भी गश्ती गाड़ी के द्वारा या किसी के द्वारा भी कोई भी चीज़ जब पकड़ी जाती है या कोई भी रेस्टिंग होती है